राम राम, नमस्ते भाई सारे फ्रेंड्स को। और कैसे हैं भाई आप? और बढ़िया ही हो गए सारे के सारे। और भाई आज बना रही हूँ मैं गाजर पाक। और ये गाजर देख लो भाई, 4 किलो गाजर ले आई थी। और इसमें भाई डाल देंगे थोड़ा सा खोआ और काजू, किशमिश जो कुछ डल लगा भाई सारे, तो बढ़िया बन जाएगा गाजर पाक। तो भाई कसन वाली तो माजे के लिए थी, अब देखो मोहित आओगा, मोहित कसवा देगा थोड़ी बहुत। और बस बच्चे जा रहे थे बुआ के घर, तो मैंने सोचा आज पीछे तो ही बना लूँ। तो ये देखिए भैया, आज मैंने चढ़ा लिया पतीला। आज मैं कढ़ाई की बजाय पतीले में बनाऊंगी गाजर पाक। एक्सपेरिमेंट करके देख लो भाई, देखो इसमें लगेगा नीचे का ना लगे। इसमें दूध डाल दिया है, अब इसमें बने जाएगा। और जब ये दूध सारा जल जाएगा ना, तब इसके बाद इसमें खोआ और चीनी चानी सारी चीज़ मिला देंगे। तुम देखने वाले भी सोचते होगे भाई यह तो बावली सी हो रही है, पतीले में बनाओ तो गाजर पाक तो कढ़ाई में बनाया करें। पर वही है भाई, नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखनी चाहिए, क्या पता इसमें बढ़िया बन जाए। तो टाइम तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, आज तो रसोई में खड़ा रहना पड़ेगा, बीच बीच में इसको हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो नीचे लग जाएगा पतीला। वैसे है ये पतला तली का, और भाई बार बार हिलाते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो खराब ही हो जाएगा सारा। तो फ्रेंड्स एक साइड में बन रहा है अभी गाजर पाक, गैस पर रख रखा है उसने, बीच बीच में देख लाग रही हूँ। अब मैं भिगोने लगी आटा, और काम भी वही करने हैं, तो खाली गाजर पाक का काम थोड़ी है शाम में। तो अब बना रही थी मैं भाई आटा, अपना आटा लगा के रख दूँ, फिर बाद में जब गाजर पाक निमट जाएगा अपना रोटी बना कर खा लेंगे। तो एक साइड भाई मैंने रख दी है चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी अभी ड्यूटी से आ गए हैं, तो उनके लिए चाय बना लो भाई। और ये गाजर पाक देख लो भाई, हमारा थोड़ा सा दूध तो जल गया, अभी तो रहता है काफ़ी टाइम और लगेगा इसमें भी। इसने डेढ़ घंटा सारा तो हो लिया बनते बनते। आज मैंने है ना कुकर में नहीं उबाली ली, तो कुकर में उबाल के जब बनाते ना तो उसमें जल्दी बनता है। आज मैंने सोचा भाई पतीले में ही बना के देख लूँ। तो अब टाइम हो चुका था भाई हमारा रोटियां का, और रोटी ये बनाने लगी मैं पहले, क्योंकि गाजर पाक में अभी एक घंटा सारा और लगेगा, तो अभी उसमें खोआ भी डालना है और उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मैंने सोचा रोटी बना के खिला दूँ भाई सबने, तो अपने रोटी बनाने लग रही हूँ मैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये खोवा लेके आए थे हम मंडी से, लेके आए थे, और वहाँ पे भी दो क्वालिटी का दिखाया था भाई उन्होंने, एक 400 रुपये किलो दिखाया था और एक 200 रुपये, नहीं 250 रुपये किलो। तो ये 400 वाला था, और भाई अच्छा है खोवा वैसे, दबा के देखा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट खोवा है। और ये देखो ये अंदर, इसके अंदर मिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि इसका सारा दूध जल गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खो ऐसे के ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर, ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा भाई, गरम गरम गाजर पाक के अंदर जब मिक्स होगा ना तो सही से अपने आप हो जाएगा, इसको फोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको मिक्सचर बनाने की। और अब इसके अंदर भाई मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, इससे थोड़ा सा चिकनाहट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है देसी घी मिलाने से। तो गाजर पाक हमारा हो गया भाई तैयार, और बहुत ही टेस्टी बना है भाई, मैंने टेस्ट करके भी देख लिया। और अब हो गए थे बर्तन, और जो खाना वाना बनाया था सारे बर्तन हो गए इकट्ठे। तो ये मैं एक बार वॉश करके रख दूँ, फिर बच्चों को थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करवाएंगे, और उसके बाद फिर सोना ही है भाई। तो भी रियांश को काम मिल रखा था, तो मैंने बोला इसको बोर्ड पे लिख के देख ले, तो ये लिख के देख रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। देखो सारे कैपिटल बना दिए इसने लेटर्स। है रियांश, क्या लिख दिया आपने ये? ETH together ET। क्या खा रही है तनु? चावल। चावल
चावल बहुत पसंद है, हैं? और यहाँ पे है गाजर का हलवा। लो भाई, दो दो चीज़ों पर टेस्ट बैठा रखा है, नमकीन और मीठा, एक बार नमकीन एक बार मीठा है ना, सही है। खाए जाओ बेटे, मौज ले लो मौज। ये भाई मंगाया हमने मीशो से सूट नायरा कट, ये पजामा। कपड़ा तो सही है लेकिन फिटिंग अच्छी नहीं आई। ये कलर देखो भाई, सूट भी अच्छा है वैसे। तो ये सूट मंगवाया था भाई हमने, लेकिन इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आई, लेकिन ये वापस करना पड़ेगा हमें, इसलिए इसको रख नहीं सकते भाई, फ़िटिंग का चक्कर पड़ गया, वैसे पसंद आ गया था। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग हमारा, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।